हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आपका तमाम विद्यार्थी का आपका अपना चैनल भारत दर्पण पर स्वागत है। मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने 1857 की क्रांति, अब चलिए निकट भविष्य में सबसे पहले शिक्षक का एग्जाम होना है और जो भी अदर एग्जाम को भी देते हैं ग्रुप डी से लेकर UPSC तक में इस पर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति, क्रांति क्यों होती है, क्रांति से क्या तात्पर्य होता है। सामान्य अवस्था माना जाता है क्रांति मतलब खून खराबा, हत्या, नरसंहार, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं। 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, कहीं एक कतला खून नहीं गिरा। अब देखिए हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। क्रांति से तात्पर्य है जब सिस्टम को चलाने वाले, जब व्यवस्थापक बदलते हुए परिवेश के आधार पर, बदलती हुई राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था के आधार पर, वो सरगल चुकी सिस्टम में बदलाव नहीं करते हैं, नई सिस्टम को व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब जनता जन आक्रोश के माध्यम से उस सिस्टम को बदल देती है। 1857 क्रांति में पूर्णतः सफलता नहीं मिली, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त हो जाना, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाना एवं 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया कि अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश प्रजा और भारतीय प्रजा दोनों को एक समान माना जाएगा, भारतीयों को भी योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि कोई भी देशी नरेश राज्य राजे राजबारे का राज को ब्रिटिश हुकूमत में शामिल नहीं किया जाए। तो कहीं न कहीं एक व्यवस्था में परिवर्तन आया, सैनिक व्यवस्था में भी पील आयोग के सिफारिश पर सैनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाया गया। तो कहीं न कहीं ठीक आंशिक तौर पर ही सफलता प्राप्त किया। और आंदोलन का क्या भी हिस्सा था कि लॉर्ड कैनिंग का वक्तव्य है, लॉर्ड कैनिंग ने पत्र लिखा है ब्रिटिश महारानी को, कदि सिंधिया और जिंद जैसे देसी नरेश और भारतीय जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों से जा मिले होते तो हमें इसी समय भारत से बुढ़िया बिस्तर समेत लेना होता, ये उसकी विभिषिका को बतलाता है। 1857 की क्रांति या विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय, उसकी प्रकृति पर लोगों का विचार भिन्न भिन्न रहा। यूं तो विचार बहुत सारा है, लेकिन कुछ विचार जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावी है, मैं उस विचार को आपके सामने बोर्ड पर स्क्रीन पर लिख दिया हूं। वीर सावरकर पहला विद्वान थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन दूसरी तरफ रमेश चंद्र मजुमदार जिन्हें स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अधिकृत किया गया। अलग बात है कि सरकार और उनके बीच वैचारिक मतभेद के कारण वो सरकार का इतिहासकार के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र इतिहासकार के रूप में 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा 1857 की क्रांति न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। जहां वीर सावरकर ने कहा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने कहा न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। इनका भी अपना तर्क था, वीर सावरकर का भी अपना तर्क था, दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग था, लेकिन दोनों की सही थी, इसे नहीं कह सकते हैं। बौद्ध जैन धर्म की तरह स्यादवाद का सिद्धांत, शायद वीर सावरकर भी सत्य हो, शायद रमेश चंद्र मजुमदार भी सत्य हो। बाद में रमेश चंद्र मजुमदार के अधूरा कार्य को प्रोफेसर सेन के द्वारा पूरा किया गया सरकारी इतिहासकार के रूप में। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीयता के अभाव में भी यह एक स्वतंत्रता संग्राम। लॉरेंस और सीले ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। 1857 का विद्रोह की प्रारंभिक रूपरेखा देखते हैं। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी या 10 मई 1857 मेरठ के तो सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, तो लॉरेंस और सीले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। तो आउट्रम एवं टेलर
टेलर ने इसे हिंदू मुसलमानों का, हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र कहा, हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र कहा। एल आर रीज ने इसे हिंदू मुसलमानों का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध कहा। यह धार्मिक युद्ध था, धर्म युद्ध था। तो टी आर होम्स कहते हैं सभ्यता और बर्बरता, अर्थात ब्रिटिश सभ्य थे और भारत लोग बर्बर थे, आदिम जाति के थे, अभी भी इनमें इंसानियत की अभाव था, सभ्यता का अभाव था। तो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा। तो इंग्लैंड का इतिहासकार और बाद प्रधानमंत्री बना डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कम्युनिस्ट के बड़े विद्वान लेखक थे, उन्होंने इसे जन क्रांति कहा। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस पर अलग अलग मत दिया गया। तो सभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मत जो परीक्षा में पूछा जाता है आपके सामने रखा गया। 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह अलग अलग विद्रोही नेता थे और उसका दमन करने के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और वो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने उस विद्रोह का दमन किया। तो उस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखिए अधिकारी का कुछ नाम दिया हुआ है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनका सेनापति वक्त, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनका सेनापति वक्त खां, और अंग्रेज अधिकारी जो इस विद्रोह का दमन कर रहा था वो था हडसन और निकलसन, हडसन और निकलसन। लखनऊ में विद्रोह का दमन, लखनऊ में विद्रोह का दमन किया गया कैंपबेल के द्वारा, और यहाँ जो विद्रोही नेता थे वो थे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल और उनका पुत्र गिरजिस, उनका पुत्र गिरजिस। बेगम हजरत महल कौन थी? तो वाजिद अली शाह, लखनऊ का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। कानपुर में भी कैंपबेल विद्रोह का दमन किया, जहाँ नाना साहेब टाटिया तोप के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किए। यहाँ वीर कुंवर सिंह का चाहत ये था कि वह नाना साहब से जाकर संपर्क करे, लेकिन संपर्क नहीं कर सके। और जब कानपुर का पतन हो गया, नाना साहब नेपाल पलायन कर गए, तब टाटिया तोपे ग्वालियर मध्य प्रदेश चले आए, वहाँ विद्रोह का नेतृत्व संभाले। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का दमन हिरोज ने किया, और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व मणिकर्णिका अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जा रहा था। ग्वालियर में टाटिया तोपे के द्वारा किया जा रहा। इलाहाबाद में जनरल नील ने विद्रोह का दमन किया, तो लियाकत अली यहाँ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो बिसेंट आयर और टेलर विद्रोह का दमन करने का काम किया। फतेहपुर में अजीमुल्ला विद्रोह का नेतृत्व किए, तो रेनॉल्ड नामक अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया। फैजाबाद में अहमदुल्ला, जिसे सबसे खतरनाक विरोधी के रूप में जाना गया, तो वहाँ कोई स्पेशल टास्क फोर्स नहीं था, जो अन्य फोर्स काम कर रहे थे उनके द्वारा उसका दमन किया गया। बरेली में खान बहादुर खां विद्रोह का नेतृत्व किए, पटना में पीर अली विद्रोह का नेतृत्व कर रहे। तो अलग अलग जगह जो विद्रोह का नेतृत्व करता थे, और अंग्रेज अधिकारी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में कोई बहुत विस्तार से कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि तथ्य और फैक्ट रखने आया हूँ, ताकि कम समय में आपको अधिकतम प्रश्न को हल करने में अपने आप को सक्षम पाए, आप अपने को सामर्थ्यवान पाए कि न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्न। यहाँ समय का है, धन का तो कोई निवेश है नहीं। न्यूनतम धन का निवेश न करके केवल समय का निवेश करें और बेहतर नॉलेज प्राप्त करें। ये तो था 1857 क्रांति का वो ऑब्जेक्टिव, वो कह सकते हैं उसको आज के दौर में क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ इस प्रकार का प्रश्न। सैनिक का विद्रोह जो हुआ, इसे सिपाही विद्रोह कहा गया। सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण तो चलिए सभी विद्यार्थी को पता है कि चर्बी वाला कारतूस फरवरी 1856 में नई इन्फेंट्री राइफल को प्रयोग में लाया गया। इसमें चर्बी का कारतूस पर मतलब था कि गाय और सुअर के चर्बी का कवर लगा होता था, और दांत से खींच करके उसको प्रयोग में लाना होता था। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, और मुसलमान को धार्मिक कारण से सुअर के मांस को वो प्रयोग में नहीं लाते थे। तो इन लोगों को लगा, हिंदू मुसलमान सैनिकों की जान बूझकर
हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक भावना को आहत करने के उद्देश्य से इस पर इस प्रकार का कवर लगाया गया। अब देखिए, कवर से यदि नाराजगी होती तो इस बंदूक का प्रयोग करने से वो इनकार करते। लेकिन 29 मार्च 1857 की वो घटना जहां मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंका और अपने सार्जेंट बाग की गोली मारकर, गोली जो चलाया गया वही इन्फेंट्री राइफल था, वही चर्बी वाला कारतूस। और 10 मई 1857 को जो सैनिकों ने विद्रोह किया मेरठ से, वही इन्फेंट्री बंदूक और वही चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करते हुए उन्होंने विद्रोह किया। तो ये कोई एक इसे कहते हैं कि चलिए बहुत हो गया आज तुम्हारा, बहुत हम दुख दर्द सह चुके अपने सहेंगे। तो पहले से ही कई घटनाएं ऐसे भी, क्रांति कोई एक दिन में नहीं होती, कई उसके कारण होते हैं जो राख के तहत तहत जो है वो आग दबा होता है और एक चिंगारी से वो कभी बाहर निकल उठता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही, कहते हैं क्रांति तब होती है जब किसी व्यक्ति का धन, किसी व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा, धर्म और मान प्रतिष्ठा धन धर्म और जीवन, जब ये चारों पर भय उत्पन्न हो जाए तब व्यक्ति वह समाज मरने मारने को तैयार हो जाता है। 1857 क्रांति के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी। अब चर्बी वाला कारतूस से चलिए धार्मिक भावना को आहत हो रहा था, धर्म का नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा कुछ बेहतर काम भी किए गए। सती प्रथा निषेध अधिनियम को रोका गया, सती प्रथा जो कि यकीनन तौर पर किसी सभ्य समाज के लिए कलंक, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक, साथ ही नरबलि जो दी जाती थी उसको रोका गया, वह बेहद आवश्यक था, बालिका हत्या भ्रूण हत्या को रोका गया। ये सब जो कुछ सामाजिक कार्य अंग्रेज बेहतर समाज के लिए कर रहे थे, लेकिन परंपरागत रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि ये हमारे धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करते हुए हमारे धर्म को नष्ट कर देना चाहता है। ईसाई धर्म और विशेषकर 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में कहीं भी, यहाँ तक कि सैनिक छावनी में भी धर्म प्रचार की जो खुली छूट मिली थी वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा। जिस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं को 1848-17 से लेकर 1856 अवध को कुशासन के नाम पर, पंजाब को युद्ध के द्वारा, झांसी को हड़प नीति के तहत, जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों का विलय किया, उससे भारतीय राजाओं का धन और सम्मान दोनों पर आघात था। और अंग्रेजों काल में किसी भारतीयों की हत्या कर देने पर कोई समस्या उत्पन्न होती नहीं थी, जीवन तो खतरा में लोग का पहले से बना हुआ, तो धन भी जा रहा था, जब राज छीन रहे थे धन जा रहा था, सम्मान जा रहा था, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जा रही, सारा वो घटना था, जीवन सम्मान धन और धर्म चारों पर खतरा उत्पन्न हो गया था यकीनन तौर पर। इसलिए क्रांति हुई, 1857 की क्रांति का अन्य कारण यह है कि लॉर्ड डलहौजी का राजनीति जिस प्रकार से विलय नीति था, हड़प नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ लेफ्ट नीति था, 1848-17 उदयपुर संभलपुर जयपुर झांसी इत्यादि का जो विलय किया, तो भारतीय राजाओं में भय था, ये एक राजनीतिक कारण था। सामाजिक कारण में दूसरे सामाजिक सुधार कार्यक्रम की, धार्मिक कारण की चर्चा कर चुके, तो ये तमाम कारण मिलकर उत्तरदायी थे 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में जहां मंगल पांडे 29 मार्च को घटना को अंजाम दिया, उसके पश्चात 34वां रेजिमेंट को भंग कर दी गई, 34वां रेजिमेंट को भंग कर दी गई, सभी सैनिक को बैरकपुर से ट्रांसफर कर दिया गया मेरठ। अब यहां देखिए कुछ ऐसी घटना हुई, ऐसा माना जाता है कि जितने विद्रोही लीडर थे जिनका राज छीन लिया गया था वो सभी आपस में तालमेल कर रहे थे रोटी और कमल। रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, रोटी और कमल का आदान प्रदान करके
विद्रोह को संगठित तौर पर करने की योजना बनाया जा रहा था। ये पूर्व निर्धारित योजना के तहत 21 मई को विद्रोह किए जाने की निर्धारित तारीख तय की। लेकिन कुछ परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती है। 34वां रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। बैरकपुर छावनी के सैनिक को ट्रांसफर मेरठ कर दिया गया। और उस समय अवध का ही अधिकांश सेना हुआ करता था। बंगाल में जितने सेना थे उसमें अधिकांश भाग अवध उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर होने के बाद ठीक एक विद्रोह के एक दिन पहले 9 मई की महत्वपूर्ण घटना है कि 9 मई को जो बैरकपुर छावनी से वहां पहुंचे थे उसमें 85 सेना को कोर्ट मार्शल सैनिक न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र में, और उनकी नौकरी को छीन ली गई, बर्खास्त कर दिया गया, कुछ को कारागार में डाल दिया। अब यहाँ पर एक ऐसी घटनाएं घटी, मेरठ के सैनिक कुछ अपनी आवश्यकता के लिए मार्केट निकले हुए थे, जहाँ कुछ किन्नर और वहाँ की महिलाओं पर तंज कसी कि तुम लोग कैसा सैनिक है, कैसा जवान, तुम्हारे दोस्त मंगल पांडे को मार दिया गया, 85 सैनिक को बंदी बना लिया गया, तुम लोग जो है सो, तो जब तुम्हें जवान क्षमता में लड़ने की क्षमता नहीं, जब तुम्हें अपनी ऊर्जा ही समाप्त हो चुका है तो लो चूड़ी पहन लो, और ये चूड़ी खोल कर फेंक दिए। कहते हैं प्रेमचंद कि पुरुष सभी प्रकार के जुर्म सितम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन महिलाओं के द्वारा दी गई उलाहना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और सैनिक आक्रोशित हो गए, तो 9 मई की तो तत्कालीन घटना घटी, किन्नर का जो तंज कसा गया, सैनिक आक्रोशित हो गए और असमय 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर को अपना राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राजा घोषित करवाए। अब यहाँ पर देखिए जो बीडिंग लिखते हैं रमेश मजुमदार कि जब मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने के पहले ब्रिटिश हुकूमत तक अपना दूत भेजते हैं, कभी उन्हें और उनके वंशजों को लाल किला भविष्य में छीनने का प्रयास न किया जाता है, उन्हीं के पास रह जाता है और पेंशन जैसे दी जा रही है दीता दिया जाता रहे तो मैं विद्रोह में भाग नहीं लूंगा। तो विद्रोह में भाग लिए क्योंकि अंग्रेज उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं किया, उनकी मांग को पूरा नहीं किया। नाना साहेब ने स्वयं को बहादुर शाह जफर का पेशवा घोषित किया, मैं प्रधानमंत्री के तौर पर आपके लिए काम करूंगा। इस प्रकार से विद्रोह की शुरुआत। लेकिन विद्रोह असफल रहा, क्यों? ठीक है, सैनिक अब 21 मई की जगह 10 मई तक दूरसंचार का सुविधा नहीं था, मोबाइल व्हाट्सएप की सुविधा नहीं थी, दिल्ली से ये मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंच गए, भोजन का तो कोई प्रबंध था नहीं। सैनिक लड़ते हुए गोली चलाते गए, गोली खत्म हुआ, कारतूस खत्म हुआ, गोली की सप्लाई का प्रबंध नहीं, सैनिक को आगे बढ़ना है तो परिवहन की सुविधा का अभाव था, तो दूरसंचार परिवहन रसद का अभाव होना, और सेना का नेतृत्व करने के लिए सेना और नेतृत्व अलग होती है, सेना तो लड़ना जानता है, युद्ध करने की कला होती है, युद्ध करते हैं तो पुल को तोड़ देते हैं, कुआं में जहर मिला देते हैं ताकि पीछे से पीछा करने वाला सैनिक जल्दी ना आ सके, तो ये सब नेतृत्व का गुण का अभाव था, ये सारा काम नहीं, तो उसी पुल के माध्यम से अंग्रेज भी वहां पहुंच गए आसानी से। तो ये असफलता का पहला का दूसरा, जो भी नेतृत्व कर रहे थे वो कभी युद्ध तो किए नहीं थे, बहादुर शाह जफर हो या नाना साहब, हाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई टाटिया तोपे कुशल योद्धा थे, लेकिन विद्रोही नेतृत्व में आपसी तालमेल का अभाव, एक दूसरे को कब आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो विद्रोह असफल रहा क्यों? क्योंकि विद्रोही नेताओं में आपसी तालमेल का अभाव था। विद्रोह असफल रहा पहला कारण कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव विद्रोह की असफलता का पहला कारण रहा कि कुशल नेतृत्व का अभाव था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि शिक्षित मध्यम वर्ग, कहीं भी विद्रोह होता है चाहे वो फ्रांस की क्रांति 1789, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम 1776 हो या रूस की क्रांति 1917 हो, सभी जगह क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? मध्यम वर्ग। यहाँ भी शिक्षित और मध्यम वर्ग, शिक्षित और
मध्यम वर्ग का युद्ध से अलग रहना, और पहले बतलाए थे कि जमींदार और नरेश अंग्रेजों के साथ थे, तो देसी नरेश और जमींदारों का अंग्रेजों से मिला होना। चौथा है दूरसंचार, रसद, गोला बारूद इत्यादि का अभाव। ये तमाम कारण उत्तरदायी थे जो इस क्रांति को असफल बना। दूसरा, सैनिक विद्रोह किया लेकिन सिख रेजिमेंट ने विद्रोह नहीं किया, दक्षिण भारत के राजाओं ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। इस प्रकार से कई इसके कारण थे जो विद्रोह की असफलता। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विद्रोह का परिणाम 1858 का एक्ट आया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया, एवं सैनिक सुधार के लिए पील आयोग का गठन किया गया ताकि सेना में जो कमी है उसे दूर किया जा सके। सैनिक सुधार के लिए पील आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार से 1857 की क्रांति और उससे जुड़ा हुआ तमाम तथ्य फैक्ट को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है आपके सामने रख दिया गया। उम्मीद करते हैं कि काफी ज्ञानवर्धक ये टॉपिक आपको विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा, और यदि ऐसा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।